हेलो मॉमीज, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मेरा टॉपिक है कि इफ यू आर प्लानिंग अ बेबी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार तो माइंड में थॉट आता है ना कि यार बेबी अब दिस इज राइट टाइम फॉर बेबी प्लानिंग। तो उसके पहले यू शुड गो टू एनी गायनिक। आप किसी भी अपने नियर बाय हॉस्पिटल में गायनिक के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। आपको करना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, इफ यू आर फिजिकली रेडी फॉर प्रेग्नेंट और नॉट, आप में विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ों का आपको मतलब सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो इसकी मेडिसिन आपकी पहले से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपकी जो भी अगर बड़ा होगा कम होगा ये सब कंट्रोल में आ जाएगा डॉक्टर के पास जाने से, और फिर आप बेबी प्लान कर लेंगे, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी के समय, और ना आपका जो न्यूबॉर्न बेबी आपकी लाइफ में आने वाला है उसको भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड नहीं होगा तो आपके बेबी को भी सिंपल सी बात है कि नहीं होगा। तो मेरी सभी जो भी मॉमीज हैं या जो भी मैरिड वुमेन है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बिफोर प्लानिंग अ बेबी यू शुड कंसल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंसल्ट योर गायनिक, जिससे कि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाए। जैसे मैं जब बेबी प्लान करने का मैंने सोचा तो 6 महीने पहले ही मैंने गाजियाबाद में मेरे डॉक्टर है डॉक्टर शशि अरोड़ा, उनसे कंसल्टेशन ले लिया था। तो मेरे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो मुझे विटामिन डी का मेरा कोर्स चला, मुझे हल्का सा ब्रेस्ट में पेन होता था तो उसका मेरा कंसल्टेशन चला, और जब मैं रेडी हो गई तो मतलब उसी 6 महीने के ड्यूरेशन में ही आई गॉट प्रेग्नेंट। तो मेरी सारी चीज़ें मतलब मुझे टच वुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला गया सारी चीज़ें। और आज मेरा बेबी 3 महीने का है, तो बस आप लोगों की ब्लेसिंग और सपोर्ट के साथ इतना सब कुछ हुआ है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मॉम से डॉक्टर से कंसल्ट करें डाइट का ध्यान रखें, विटामिन्स, मिनरल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स तो आप डेली बेसिस पे खाओ। जितना आप अच्छी डाइट लोगे, कैफीन छोड़ दो, 6 महीने पहले कैफीन छोड़ दो, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ड्रॉप आउट, ये आपको लेना ही नहीं है, तो बस आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ेगी। बहुत ही इजी होता है और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है लाइफ में। जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको अपने आप में एक अलग ही फीलिंग्स होती है, वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी और भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरी मॉमीज भी इससे मतलब उनको भी ये नॉलेज मिल जाए, जानकारी मिल जाए, और जो मैरिड वुमेन है उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो बाय बाय मॉमीज, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम।